साथियों, स्वागत है आपका आपके नए YouTube चैनल में। साथियों, 10 मार्च को YouTube ने एक न्यू अपडेट दिया है, जो आपको सभी को ये मेल आ गई होगी। जो यूट्यूबर्स हैं, वो जिनका जो चैनल है वो मोनेटाइज है, जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, उनके लिए ये अपडेट है। ये अपडेट बेसिकली अच्छी नहीं है, ये एक बैड न्यूज़ है। ये टैक्स की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, टैक्स इंफॉर्मेशन। जो यूएस है, YouTube जो है US की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, तो ये क्या कर रहा है, इसने आउटसाइड जो USA के बाहर के जो कंट्री के लोग यूट्यूबर हैं, हर दिन न्यू यूट्यूबर बन रहे हैं, काफ़ी अर्निंग हो रही है, उनके लिए इसने एक टैक्स डिडक्शन कर दी है। जो इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे उनको 24% टैक्स देना पड़ेगा, जो इसको कर देते हैं उसको 15% टैक्स लगेगा। यानी अब 15% टैक्स लगेगा ही लगेगा। अगर 24% डिडक्शन हो गई है तो आपको $100 में से 24, अगर आपके $100 बने हैं तो अगर आप ये फॉर्म 31 मई तक सबमिट नहीं करवाओगे तो आपको $24 डायरेक्टली कट जाएंगे 100 में से, तो बाकी आपकी परसेंटेज आप देख सकते हो। तो ये एक तरह का झटका है यूट्यूबर के लिए, बट नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। बेसिकली वैसे 60-40 रेशियो थी यूट्यूब की, तो यूट्यूब 40% रखता था, 60% वीडियो का रेवेन्यू जो यूट्यूबर को देता था। अब इन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया है, कुछ मॉनेटरी इश्यूज़ हैं, कुछ न्यू अपडेट आई है। तो कैसे इस फॉर्म को फिल करना है, तो ये मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। तो काफ़ी सर्च करके, यूट्यूबर्स के वीडियो देख के, कुछ एनालाइज करके मैंने देखा है, मैंने भी अपना फॉर्म खुद फिल कर किया है, और आपको भी मैं पूरा सजेस्ट करता हूँ, आप इसको फिल ज़रूर कर लीजिए, जल्दी से जल्दी करिए। और जब आपका फिल हो जाएगा तो आपको कैसी मेल आएगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं वीडियो। तो जो जो स्टेप मैं फॉलो करूंगा वो स्टेप आपने फॉलो करने हैं, और अपना फॉर्म फिल ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो आपको 15% की जगह 24% डिडक्शन टैक्स की होगी ही होगी, 24% आपके रेवेन्यू से कटेगा। तो जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, अभी से सेटिंग कर लीजिए। और जिन्होंने पहले पैसे ले लिए हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनको डिफरेंट सेटिंग करनी पड़ेगी कैसे फॉर्म फिल करना है, कोई आपकी गलती ना हो, पूरा आपको मैं यहाँ गाइड करूँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फॉर्म शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले अपने गूगल के ऊपर गूगल एडसन सर्च करना है, ऐसे आ जाएगा, तो नीचे गूगल एडसन लिखा आएगा, तो इसके ऊपर आपने डायरेक्टली जब क्लिक कर देना है, सॉरी प्रोसेसिंग ले रहा है, क्लिक जब हो जाएगा उसके बाद आपका जो गूगल एडसन का पेज ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया पेज, तो ये मेरा यहाँ रेवेन्यू शो कर रहा है, $80 बने, तो यहाँ आपको ये शो हो रहा होगा, देख सकते हैं आप, मैनेज टैक्स इंफॉर्मेशन। तो ये चीज़ न्यू अपडेट आई है, इसको कैसे फिल करना है ये आपको सारा बताऊँगा। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया जब मैनेज इंफॉर्मेशन टैक्स की, जब आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो नेक्स्ट पोर्टल खुल जाएगा, तो आगे आ जाएगा यहाँ पे एड टैक्स इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे इसके ऊपर तो नेक्स्ट पोर्टल खुल जाएगा। ये मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से आप स्टेप देख लीजिए, कोई भी स्टेप गलत मत करना। तो ये मेरी मेल आईडी है, इसमें पासवर्ड फिल कर दिया मैंने, ऑथेंटिकेट कर दिया, उसके बाद देखिए आपको ये मांग रहा है USA में हो या उसके बाद हो, और आपका अकाउंट इंडिविजुअल है या ग्रुप है। तो आपका अपना यूट्यूबर चैनल है, बिजनेस के लिए है, अगर आपका अपना है तो इंडिविजुअल के करोगे, अगर आपने बिजनेस के लिए किया तो नीचे करोगे, तो इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट ये मांग रहा है, इसमें आपने क्या करना है, नो क्लिक कर देना है, उसके बाद नीचे ऑप्शन मांगेगा, उसके ऊपर आपने जो क्या क्लिक करना है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ऊपर आपने इंडिविजुअल कर दिया, सेकंड में नो कर दिया, और थर्ड में आपने जो फॉर्म है इसका ऊपर क्लिक करना है, WVN फॉर्म, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे, ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि ये जो USA के बाहर के लोग हैं उनके लिए ये है, जब आप USA को तो नीचे करना है, तो आपने ऊपर क्लिक कर दिया इसके, तो नेक्स्ट पोर्टल खुल जाएगा। नेक्स्ट ट्रेसिंग ले रहा थोड़ी, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप अपना जो नेम है वो लीगली इंपोर्ट करोगे, नाम आपका यहाँ शो हो जाएगा, और बाद में नेक्स्ट आपने प्रोसेस ये करना है, अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, पहले कंट्री सिलेक्ट कर ली, इंडिया सिलेक्ट कर लोगे कंट्री,
कंट्री सेलेक्ट होगी। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए आपसे मांग रहा है टिन नंबर। टिन जो होता है ये पैन नंबर होता है, इंडिया के बाहर इसको टिन कहते हैं, इंडिया में इसको पैन नंबर कहते हैं। तो अपना जहाँ पैन नंबर इंटर मैंने कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट खुल जाएगा फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म जो खुलेगा उसमें क्या मांगेगा ये एड्रेस वगैरह। तो अपना आप एड्रेस क्लिक करोगे फोटो ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा, तो नहीं तो आप फिल कर सकते हो मैनुअली। तो जैसे आपने यहाँ क्लिक किया तो एड्रेस की इंफॉर्मेशन यहाँ नीचे आ जाएगी। आ गया एड्रेस, मैंने चूज़ कर लिया अपना। तो उसके बाद नीचे आपने देखना है अपने ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को सेम करना है, तो इसके सेम पे क्लिक कर दोगे तो आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। नीचे फिर से कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है और एड्रेस सेम कर देना है दोनों का। नेक्स्ट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो इसके बाद ऑप्शन आएगा इसमें आपने क्या करना है, इसमें एक मांग रहा है जैसे एक मांग रहा है नो। ये इनके लिए जिन्होंने पैसे लिए हैं पहले या नहीं लिए। तो आप जब न्यू हो तो आप जैसे यहाँ करोगे क्लिक, उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करोगे। तो उसके बाद तीन चीज़ें नीचे मांग रहा है, इनको अलग अलग फिल करना पड़ेगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो फर्स्ट यहाँ पे आ गया एडसन्स का, तो फॉर्म 7 सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें आपने 0% करना है फर्स्ट में, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया, ओके कर दिया यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करके। फिर नीचे आ जाएगा आपका यूट्यूब का, टीवी का, इसके 12 नंबर फॉर्म, इसमें 15% डिडक्शन करनी है, 30% नहीं करनी, 15% करनी है। उसके बाद थर्ड आ जाएगा कॉपीराइट का, इसमें भी 7 फॉर्म 12, तो 15% करनी है। ये लास्ट स्टेप था इसमें। उसके बाद आपने इसको क्लिक कर देना बॉक्स में। ये तीनों चीज़ें ध्यान से देख लेनी है आपने, ऊपर 0 करना है, नीचे 15% करना है, तीन चीज़ें आपसे मांगे हैं, देन आपने नेक्स्ट कर देना है। सो जब आप नेक्स्ट कर दोगे तो नेक्स्ट आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये आपका फॉर्म और फिल हो चुका है, यही स्टेप थे। और बाद में आप यहाँ चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट कर दिया तो नीचे आपका फुल नेम लीगल नेम मांगेगा। तो आपने अपना जो नाम है, मैं अपना नाम प्रदीप कुमार फिल कर रहा हूँ, और आप सेम पर्सन हो जैस कर दो, और आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया ये पूरी रेलेवेंट है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट कर दोगे। तो नेक्स्ट कर दिया आपने, तो उसके बाद आपने सबमिट करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं जैस नो वाले, तो इसमें नीचे नो कर देना क्योंकि आपको ऑलरेडी पेमेंट ले चुके हो जैस। तो उसके बाद आपकी जो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन पूरी करेक्ट है, तो नीचे वाला ऑप्शन नो क्लिक करना, नंबर टू की आप ध्यान से देख लीजिए नो, उसके बाद नंबर टू फिर सबमिट कर देना है। इन दिस वे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो आपसे फॉर्म मांगेगा जी, सबमिट हो गया सारा, तो बाद में आपने इसको डिसमिस कर देना है। अगर आपसे मांगेगा तो बाद में इसको डिसमिस कर दीजिए, बाद में आपके वो टैब शो नहीं होगा टैक्स इन्फॉर्मेशन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, इस तरह से अपने फॉर्म अपना फिल कर लेना है। तो फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और अभी आपको मैं मेल खोल के दिखाऊँगा कैसे मेल के ऊपर आपको मेल आती है। थैंक्स। सो उम्मीद करता हूँ आपको सारे जो स्टेप हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मैं अपनी जो मेल आईडी आपको खोल के दिखा रहा हूँ, इसमें मेल कैसे आएगी। तो ये मेल आ रही है यहाँ पे, मैंने 12 तारीख को एक्चुअली फिल कर लिया था, तो इसको मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ऐसे आपको मेल देगा, गूगल पेमेंट्स की ओर से आएगा, योर टैक्स इंफॉर्मेशन हैव बीन अप्रूव्ड। तो आप यहाँ से देख भी सकते हो इसको, जब क्लिक करोगे क्रोम पे जाके डायरेक्टली ये खुल जाएगा, पूरा पेज खुल जाएगा। इस पर आप देख सकते हो आपने क्या क्या यहाँ फिल किया है। एड्रेस आ जाएगा आपका, जो आपने 2U8VN फॉर्म 20% क्लेम किया, 50% किया मोशन पिक्चर, 50% कॉपीराइट का, 0% सर्विस WHT लगेगा। तो आप इसको अभी सबमिट न्यू फॉर्म ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली, और इसको एडिट भी आप कर सकते हो। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन, और मैं जो कि उम्मीद है मुझे आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।